यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में कह रहा बुलाओ उसको, मैं कभी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर गया, मैंने कहा बडी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। का बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे। वो तो यही आदमी बता पाएगा। भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। तो ये अपनी जोन में खुश है, और ये कॉमर्स का था ना तो ये नया नया कूल बनाता दिल्ली। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनम सुनना शुरू किया था, पर इसके लिए नहीं था वो। मेरठ का लड़का एमिनम समझ रहे हो तुम, वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। तो मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा बाडी प्लीज मान जाओ आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं नहीं अपने पापा का सब नॉट लाइंग। एक ही मिनट लेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती साथ भी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है करेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहे कि मैं बहन चू मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ। ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, हाँ बोल दो ना। नहीं कुछ खड़ा है, मैं शांति से। मैंने कहा बाटी आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी कि स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दी यार तुमने। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि आप ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे। तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजे का पैकेट और चार लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं चारू ले आए। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ऐसा ये चल रहा है अभी भी। अभी ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले सारी सुन के जाओगे क्या।
इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी, कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा। मैं याद रखूंगा। बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे। अब लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा। तो मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, कि तो उससे पहले इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा अभी से आ जान देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ। चाबी उठाई, उठाई खड़ा हो गया, कह रहा चलो। मैंने कहा हाँ चल रहे चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ, कह रहे खोलो। मैं भूल गया कैसे खोलते थे। यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उस दिन चाबी लगाई कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए। वो दो जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। अंदर आओ अभी तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी उस पर कपड़े भरे थे, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ रहो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था उस पर, वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था तो वो जल रहा था, तो कह रहा वो तो जल रहा है। मैंने कहा हाँ इन्वर्टर जल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता। उठे लाइट जला दिया के, मैं कहा इसमें आप अपने आप के आपने जो किया अब देख लो। आपने कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा मेरे नाम लेके। मैंने कहा मना करा था ना मैं, बैठ जाओ। उन्होंने सारी बोतल देखी, तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते कबाड़ी काम करते। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना। देखा हाँ पीते। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ कत्लो रखा वहां पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना बच्चा उनका आर्टिस्ट है उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती। उन्हें इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो। और डिब्बियां देख रहे सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते। नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है, वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना। भाई वो करेक्टर आदमी थे यार, वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार तो करो। हमारे तो ही कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए, अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग, मैं अच्छा दिखने जरूरत टॉन्ट मत मारो, पीनी है तो बताओ ना। तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। भाई इतने में हमारे सैमिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ,
मैंने कहा ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे, मैं कहा फिर मैं बुला के लाओ यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे। मैं वापस गया, मैंने कहा बड़ी हो गया आप धप्पा हो गया आ जाओ। मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आया, कह रहा भाई क्या होगा, मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई। मुझे तो बस देखना है, चल जल्दी आए रूम में। फैमिली वैल्यूज, भाई नहाती पहले पैर छुए। मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। बैठा अंकल ने कहा क्या है सब, कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का, बकवास कर रहा मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही है। कह रहे बेटा ये सब करने क्या जरूरत है, फलान ठिकाना, वो डांट रहे डांट रहे। मैं कहा आप मारेंगे कुछ नहीं। उठे खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में, इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना, सामने मारो पैंच की तरह। फिर आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं, और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजिया रखी, चार लड्डू रखे। मैंने आज तो नहीं निकालेंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे आज तो। बात कर रहे हैं उसे करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह रही यार कहते ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाई है। निकाली आलू भुजिया रख दी, चार लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिए, ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा है? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना ही ईजी काम नहीं आता तो। भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। मैं कहा तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी पैर, बाथरूम से बहुत ज्यादा लगा आपने तुम लोगों को। मैं और किस चीज से नहीं, कह रहा नहीं भाई उससे ही मारते हैं। मैं कहा तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे पर फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखा दियो भाई ऐसा कर ली। फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत किसी के लिए सही होता है। हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया गोली अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा।